आज की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? देखिए, आज की स्ट्रैटेजी भी हर्षदा एकदम बुलिश रहेगी। इनफैक्ट मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरह अगर हम मार्केट ब्रेथ नोटिस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मिड कैप एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हमने एक अच्छी वॉलेटिलिटी देखी है, काफी स्टॉक्स में ब्रेकआउट देखा है। एंड कहीं ना कहीं अगर इंडेक्स 11,400 के ऊपर सस्टेन करेगा, मेरा ऐसा अनुमान है कि आगे चल के मिड कैप एक ऐसा स्पेस रहेगा जिसमें हमें और हाई बीटा स्टॉक्स में हमें एक अच्छी वॉलेटिलिटी और भी अपसाइड ब्रेकआउट के चांस मिल सकते हैं। करंट अगर हम सेटअप देखें तो कहीं ना कहीं कल की वॉलेटिलिटी के बाद मार्केट ने अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स को होल्ड किया है, और उसके चलते मेरा ऐसा अनुमान है कि आगे चलते हुए हमें अपसाइड ब्रेकआउट जरूर देखने मिलेगा। तो निफ्टी की बात की जाए तो अपसाइड में जैसे मैंने बताया 11,600 का हमारा अपसाइड का टारगेट सस्टेन रहता है। बैंक निफ्टी में इनफैक्ट हमें थोड़ा बहुत कंफर्मेशन के लिए वेट करना पड़ेगा, तो उसके चलते अगर बैंक निफ्टी 28,700 के ऊपर ब्रेकआउट देगा एक अच्छा मोमेंटम आएगा। तो ओवरऑल मेरी आज की तीनों बाय की स्ट्रैटेजी रहेगी एंड मैं आपको अपने टिप्स थोड़ी देर में बताऊंगा। जी हाँ, तो बाय साइड की पोजीशन पर ही फोकस करेंगे। हिमांशु, आपने ज्यादा जोर लगाना और SRF में भी इन्होंने जो सेल साइड की पोजीशन थी वहां से भी अपनी पोजीशन जो है काट ली है, तो ये फिलहाल तीनों ही स्टॉक से वो निकलते हुए दो नए जोड़ेंगे आज के सत्र में। अब आते हैं मानव, और मानव ने जो पॉजिटिव रिटर्न कमाए उसमें वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। स्पेशली बॉम्बे बर्मा और अदानी एंटरप्राइजेस में उन्होंने प्रॉफिट बुक किया है और बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो बना रहेगा। तो ये फिलहाल इनकी स्ट्रैटेजी कल तक की जो थी वो सामने आपके आ गई है। अब नए स्टॉक्स कौन से जुड़ेंगे? बॉम्बे बर्मा से आपने एग्जिट लिया है मानव, बताइए इसके बदले क्या जोड़ रहे हैं? जी बिल्कुल, तो जैसे मैंने बताया मिड कैप एक ऐसा स्पेस है जिसमें काफी अच्छा हमने मोमेंटम देखा है। तो मेरा पहला पिक रहेगा उसको रिप्लेस करने के लिए VIP इंडस्ट्रीज। अगर हम देखें तो इसका सेटअप VIP इंडस्ट्रीज ने रिसेंटली करेक्टिव डिक्लाइन देखा है एंड कहना कि एक शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के पास करके एक बहुत अच्छा आज ब्रेकआउट देखा है। वॉल्यूम्स के साथ हमने देखा है लास्ट 60 मिनट्स में काफी अच्छी बाइंग हुई है। इनफैक्ट लास्ट 3-4 ट्रेडिंग सेशंस भी देखे तो VIP इंडस्ट्रीज में डिलीवरी बाइंग काफी एक्टिव रही थी एंड इसके जो मोमेंटम इंडिकेटर्स है काफी पॉजिटिव है। मेरा ऐसा अनुमान है कि आगे चल के ये स्टॉक यहाँ से काफी शार्प मोमेंटम दे सकता है। इनफैक्ट इसका जो प्रीवियस हाई है करीब 505-510 के आसपास टेस्ट कर सकता है, तो उसके चल के VIP इंडस्ट्रीज में बाई करने की सलाह है। 445 का स्टॉप लॉस रहेगा, अपसाइड टारगेट 505 का। ओके, तो VIP जोड़ा जा रहा है, 445 का स्टॉप लॉस और टारगेट 505 का इस समय मानव रखित ले रहे हैं इसे अपने पोर्टफोलियो में। तो ये पहला स्टॉक आता हुआ मानव की ओर से। चलिए हिमांशु से पूछते हुए हैं, 7 रुपए तक की बढ़त उन्होंने कहा था, इस समय आ रही है 0.5% ऊपर देखा गया है ये काउंटर। VIP अगला स्टॉक है जो मानव ने जोड़ा, वो भी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। मानव की कॉल, 505 का टारगेट, 445 स्टॉप लॉस, इस समय स्टॉक का प्रदर्शन कैसा है वो बात। मानव बताइए आपका थर्ड स्टॉक क्या रहेगा आज? जो मेरा पिक है वो भी ऑटो सेक्टर से है, बट मैं जाऊंगा हीरो मोटोकॉर्प के साथ। अगर हम चार्ट फॉर्मेशन देखते हैं हीरो मोटोकॉर्प के, कहना से ही प्राइजेस ने एक जो गिरावट देखी है फ्रॉम दी लेवल्स ऑफ 3000 वहां से कंजर्वेटिव सीरीज ऑफ डिक्लाइन देके वीकली और डेली सपोर्ट के आसपास आके स्टॉक लास्ट 3-4 दिन से कंसोलिडेट करा था। अगर हम कल का ओपन इंटरेस्ट डेटा देखें तो कहना कि उसमें काफी इंक्रीज हुआ था एंड आज जिस तरह का ब्रेकआउट हमने देखा है, लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशंस के हाईस को डिसाइसिवली ब्रेक किया है। वीकली चार्ट पे बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाया। यूजली ऐसा फॉर्मेशन बनाने के बाद एक संकेत तो डेफिनेटली कंफर्मेशन मिलता है कि यहाँ से एक शॉर्ट टर्म बॉटम बन चुका है एंड यहाँ से ऑफन एक फॉलो ऑन मूव देखने मिलता है। जो हमने आज डेली चार्ट में जिस तरह का ब्रेकआउट देखा है वॉल्यूम के साथ, तो मेरा ऐसा अनुमान है कि करंट लेवल से डाउनसाइड काफी लिमिटेड है, यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम हम देख सकते हैं। और अपसाइड 2610 का स्टॉप लॉस रहेगा, अपसाइड टारगेट है 2770 का। ओके, तो ये देखिए आपके लिए एक और तेजी का ट्रेड, और ऑटो में देखिए जोश है, रफ्तार है, उसी के साथ मानव जा रहे हैं। कुछ ही देर पहले हिमांशु ने भी मेडिसिन सुमी जोड़ा और 2770 के टारगेट के लिए फिर मोटोकॉप में तेजी की पोजीशन मानव दे रहे हैं। 2610 के स्टॉप लॉस के साथ ये ट्रेड लेंगे। तो चलिए तीनों स्टॉक सामने आएंगे मानव के जो इन्होंने आज आपके सामने रखे हैं। हीरो मोटोकॉप अभी कहा ये SDX निफ्टी के लेवल, ये गलत है, इसको दोबारा लेकर आइएगा। तो मैं आपको बता देती हूँ, हीरो मोटोकॉप तेजी का ट्रेड, 2770 का टारगेट इन्होंने कहा, स्टॉप लॉस 2610 का। VIP इंडस्ट्रीज में एक तेजी का ट्रेड, 505 का टारगेट, स्टॉप लॉस 445 का, और पहले से होल्ड कर रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रेड को। ये तीन स्टॉक्स हैं जो मानव ने अपने पोर्टफोलियो में रखे हैं, इनकी बदौलत उनकी उम्मीद है कि यहाँ पर अच्छी खासा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। जैसे ही स्टॉक जोड़े, देखिए मानव अब फिर 10% तक के रिटर्न कमा रहे हैं।
हिमांशु 3% नेगेटिव में। नीरव वखारिया के लिए भी आज का दिन थोड़ा सा पेचीदा साबित हो रहा है, -0.06% के रिटर्न थे लेकिन अब -3.53% के रिटर्न आ गए हैं। मैं आपको